हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। मालिक कौन है कंपनी का, उसके आधार पर हम देखेंगे इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्रीज मालिक के आधार पर तीन टाइप की हैं। पहली आपकी प्राइवेट सेक्टर, दूसरा है पब्लिक सेक्टर, तीसरा है आपका जॉइंट सेक्टर। तो तीनों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है ये लास्ट टॉपिक बचा है इंडस्ट्रीज बेस्ड इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन में। चैप्टर नंबर 5 सेकेंडरी एक्टिविटीज, बुक आपकी क्लास 12th की ज्योग्राफी की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो शुरुआत करते हैं इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो मालिक कौन है इंडस्ट्री का, ओनर कौन है, उसके आधार पर इंडस्ट्रीज तीन टाइप की होती हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे पब्लिक सेक्टर। जब भी पब्लिक सेक्टर आता है तो आप कभी भी ध्यान रखना, जब भी पब्लिक सेक्टर अगर आ जाए तो समझ लेना हम सरकारी कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक का मतलब है जनता नहीं है यहाँ पर, पब्लिक सेक्टर का मतलब है सरकारी कंपनियाँ। तो दीज इंडस्ट्रीज आर ओन एंड मैनेज्ड बाई गवर्नमेंट। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं पब्लिक सेक्टर की जिनको मैनेज भी करती है सरकार और जिनके मालिक खुद होती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इन इंडिया देर आर नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। आपने कई सारी PSU कंपनी के बारे में सुना होगा, PSU की फुल फॉर्म होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इनको जनरली सरकार हमारी कंट्रोल करती है। और पहले के टाइम पे जो सोशलिस्ट कंट्रीज हुआ करते थे, ध्यान रखना, हालांकि आज की डेट में कोई भी कंट्री मोस्टली 100% आप नहीं कह सकते सोशलिस्ट बचा है, जनरली ज़्यादातर कंट्रीज में मिक्स टाइप की मतलब इकोनॉमी पाई जाती है। फिर भी हम बात करें, जैसे पहले एक USSR हुआ करता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो 1991 में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और 15 रिपब्लिक्स में डिवाइड हो जाता है USSR। आपने श्योर पढ़ा होगा उसमें, पॉलिटिकल साइंस में नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो USSR पहले किस टाइप की एक प्रकार से सोशलिस्ट कंट्री थी, ज्यादातर जितनी भी कंपनी हुआ करती थी सब पर सरकार का कंट्रोल हुआ करता था। तो इन सोशलिस्ट कंट्रीज दीज इंडस्ट्रीज आर डायरेक्टली ओन्ड एंड मैनेज बाई द स्टेट। स्टेट का मतलब है जो सरकार है वो इनको मैनेज करती है। दूसरी इंडस्ट्रीज है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जैसे ही नाम आता है तो आपके सामने मुकेश अंबानी, रतन टाटा जी, ये सारे नाम आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, गौतम अडानी। तो प्राइवेट सेक्टर ऐसा सेक्टर है या ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको मैनेज और उनके मालिक कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, अगर वो कोई मालिक है तो हम कहेंगे भैया ये प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, तो दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। और जनरली जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज होते हैं, आप कैपिटलिस्ट कंट्री कौन से होते हैं, जैसे आपको वो USSR एंड USA वाला केस याद होगा, है ना, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, कमेंट करके बताना है कोल्ड वॉर कब से कब तक चला था, मैं जानना चाहूँगा आपका कमेंट जानना चाहूँगा। तो USA एंड USSR के बीच में जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो USA सोशलिस्ट था, सॉरी USA तो कैपिटलिस्ट था और USSR कंट्री आपका सोशलिस्ट था, तो इनके बीच में एक जंग चल रही थी। तो कैपिटलिस्ट कंट्री वो होते हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट कंट्रीज, पूंजीवादी देश। तो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज में जनरली जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होती हैं, प्राइवेट सेक्टर उनको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आप इसको लिंक कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस से। तो जब भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट के कंट्रोल में। अगर हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो ऐसा सिस्टम जहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में, उसको सोशलिस्ट सिस्टम बोलते हैं। और एक होता है मिक्स्ड, जहाँ पर दोनों के हाथ में होती हैं। ठीक है, अगला है जॉइंट सेक्टर। तो दीज इंडस्ट्रीज आर मैनेज्ड जॉइंटली बाय द प्राइवेट एंड पब्लिक। अगर किसी इंडस्ट्री का मालिक सरकार भी है और कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी है, दोनों मिलकर अगर सरकार और प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिलकर अगर कंपनी को चला रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट सेक्टर। ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनको मिलजुल कर इस्टेब्लिश किया जाता है सरकार के द्वारा और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, और दोनों मिलकर चलाते हैं, इसमें हिस्सेदारी होती है ना, परसेंटेज रहता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में आपको याद रखना है। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों मिलजुल के काम करते हैं, ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अपना देश 1947 में जब आज़ाद हुआ था तो हमने डिसाइड किया कि इंडिया इज गोइंग टू हैव मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी होगी जहाँ पे प्राइवेट कंपनी भी होंगी और जहाँ पे सरकारी कंपनी भी होंगी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, और मगर देखी जाए तो रियल ओनर जो है सरकारी रहती है, मतलब ज़्यादा प्रभाव किसका रहता है, सरकार का रहता है। और जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कंपनियाँ, हालांकि उनका मालिक तो प्राइवेट रहते हैं मगर सरकार एक रेगुलेटर की तरह काम करती है कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज में, मतलब सरकार गाइड कर सकती है, सरकार बता सकती है आपको ऐसे करना है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया जाता है इंडस्ट्रीज को, जो मन में आए वो कर सकते हैं, सरकार की रेगुलेशन में ही काम करती है कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
तो अच्छा एक चीज़ आपको कमेंट करके बतानी है, मैं थोड़ा पॉलिटिकल का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आई एम श्योर आप आंसर कर पाओगे, और कंपनी का मामला चल रहा है तो इसलिए पूछना ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से 5 ईयर प्लान में ओनली इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया गया था, है ना, किस 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया था उसको बताना, प्लस उसको बनाने वाले कौन थे ये भी आपको कमेंट करके बताना है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।